इस स्टॉक पे सबसे बुलिश होने का सबसे बड़ा कारण है, इनफैक्ट कोई भी स्टॉक को अगर आप चुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे आप चुनते हैं। एक, प्रमोटर कौन है, दूसरा, प्रमोटर का स्टॉक को लेके या फिर कंपनी को लेके आगे का विजन क्या है और कंपनी खुद कितनी बड़ी है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके अगर आप देखेंगे तो बिरला ग्रुप कंपनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो है वो ये है और लगातार इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी मांग जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। आप रियल एस्टेट देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, हर जगह से मांग आ रही है, तो इससे बड़ा पैरामीटर कुछ हो नहीं सकता इस कंपनी पे बुलिश होने के लिए। देखिए, बड़ी बात आपने कही, प्रमोटर बड़े हैं, कंपनी बड़ी है, अच्छा ब्रांड है, लेकिन साथ ही सिचुएशन हर कंपनी की बदलती भी दिख सकती है, सेक्टर की भी बदलती है। और सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें, लगातार खर्चों में जो बढ़ोतरी हो रही है अब वो नतीजों पर भी दिखना शुरू हो चुका है। खर्चों में बढ़ोतरी का असर इस बार जो तिमाही नतीजा है उसमें देखने को मिला है और मार्जिन इसी वजह से टूटते हुए दिखे हैं। डेफिनेटली, लेकिन ये जो हालात है वो टेम्पररी है, ऐसे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वही आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, इनफैक्ट सारी सीमेंट कंपनीज में देखने मिल रहा है, जहां पे मार्जिन जो है वो अच्छे तरीके से हिट होने वाले, ये सबको पता था। लेकिन आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, और जैसे जैसे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट वो चालू भी हो चुका है। इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, करीब 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है और इनफैक्ट आने वाले दिनों में करीब 6-8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है ये कंपनी और डिलीवर करेगी। और इस साइज की कंपनी जब इस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करती है, यानी कि आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्शन सेल्स और प्रॉफिट में देखने मिलेगा। एक्सपेंसेस को जब मीट करेगी उसके बाद ये डिलीवरी जो परफॉर्मेंस है वो कर पाएगी। अब ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत ही अगर आप देख लीजिए, $120 प्रति टन रही है और Q3 FY22 तक ये $10 से $20 प्रति टन की बढ़ोतरी का अनुमान भी है। तो एक्सपेंसेस में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई इनकी देखना बिल्कुल लाजमी है। एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को उसका फायदा होगा। इस कंपनी ने ऑलरेडी अब तक करीब 2,300 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो इस क्वार्टर में कर लिया है अब तक Q2 तक, और आने वाले दिनों में करीब 4-5 हजार करोड़ के आसपास की केपेक्स FY22 में करने वाली है, यानी करीब 7,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो इसी साल करेंगे। ये 45,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की आय है। कोई केपेक्स करेगा तो जाहिर सी बात है दुगनी रेवेन्यूज के लिए ही करेगा, यानी कि यहाँ से कुछ नहीं तो 10,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज आप जनरेट करोगे, 12% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आप काम करते हो, यानी करीब 1,000 करोड़ के आसपास के आपके जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आने वाला है। ईपीएस पे अगर आप देखेंगे तो नहीं 30 रुपए के आसपास का फायदा होगा। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस तो बहुत सस्ते हैं इस कंपनी के, आगे केपेक्स करने वाले रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। बड़े केपेक्स के अनुमान जरूर जता रहे, लेकिन इनके कई सारे यूनिट और कई सारे प्लान्स हैं जो अभी भी धरे के धरे रहे हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन सामान्य से अधिक मानसून जो इस बार देखने को मिला, इसके चलते भी हमने देखा है कि नतीजों पर लगातार असर हम देख रहे हैं और कंपनी के कारोबार पर भी इसका असर है, डिमांड पर भी असर पड़ता दिख रहा है। लेकिन देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश है इस काउंटर को लेके। गवर्नमेंट साइज देखिए, टारगेट क्या दे रहा है, 8,950, फिलहाल 7,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से भी 1,700 रुपए के आसपास की जो तेजी है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो ब्रोकरेज अभी भी इस पे बने हुए हैं, एक ब्रोकरेज बने हुए हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर बेरिश ब्रोकरेज भी है और साथ ही कोयले की जो कमी है इससे निपटने के लिए जो इनके कोल ब्लॉक्स की माइनिंग है वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। साथ ही कोरोना की स्थिति के चलते इनके एक्सपोर्ट्स में भी 45% की गिरावट हमने देखी है। JP Morgan न्यूट्रल रेटिंग दे रही है, लक्ष्य जो है इन्होंने 6,890 के दिए हैं यहाँ पर।